तो ना क्या कर रहे हो बेटा, बॉल पर बैठने की जगह है, यहाँ पर बैठते हो। चलो आपके बाल झाड़ दो, आजो। चलो हाई तो कर दो, आप किसी भी कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। तो अभी सुबह की शुरुआत हो गई है और अभी मैं यहाँ लगा रही हूँ पोछा। और सबसे पहले जब मैं उठ के आती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा ही करती हूँ। तो बस अभी झाड़ू पोछा मेरा लग रहा है और बच्चे स्कूल भी चले गए हैं, तो मैं हो गई हूँ बच्चों से फ्री। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं झाड़ू पोछा। अभी मेरा यहाँ पोछा भी लग गया है और ये देखिए मैंने हाथ से आज कपड़े धो के डाले हैं, क्योंकि मेरे मशीन में ना क्या पता क्या हो गया है, तो उसका गेट भी नहीं खुल रहा है, तो इसलिए मैंने ये सुबह सुबह हाथ से धो के डाल दिए। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये है आंधी झाला, ये कोई सब्जी नहीं है। और ये है ना ऋषि पंचमी, मतलब गणेश जी के दूसरे दिन ना है ना ये इसका व्रत रहता है, तो इससे ही स्नान करना पड़ता है। तो इसकी जो पत्तियाँ रहती है ना वो है ना 108 पत्तियाँ, और जो इसकी लकड़ियाँ रहती ना उससे है ना दातुन करना पड़ता है, तो बस मैं वो ही तोड़ रही हूँ। तोड़ने में ना बहुत ज़्यादा है ना समय लग जाता है, तो बस अब मैं इसको ही लेके बैठी हुई हूँ और एक एक पत्तियाँ और इसकी डंठल तोड़ रही हूँ। तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है इसको तोड़ने में, और बस ये टूट जाएंगी कि फिर आगे का काम स्टार्ट कर दूँगी मैं। तो बस बाहर है ना क्या है पानी आने लग गया है, तो मैं वही देख रही हूँ। वैसे तो मैंने कपड़े उतार दिए थे, और ये देखिए ये मैंने आपको बताया ना ये थाली में जो रखी है उससे दातुन करना है और ये पत्तियों से स्नान करना है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी देखिए वहाँ पर सोई रही है कुंभकर्ण और अभी उठी नहीं है, तो यहाँ का तो मेरा कुछ भी हुआ नहीं है। तो मैं अभी तो वैसे पूरा रेडी होके उसके बाद ही यहाँ का जो भी काम है वो करूँगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि है ना आज है ऋषि पंचमी और गणेश जी के दूसरे दिन आती है ऋषि पंचमी, तो आज के दिन है ना मेरा मतलब मेरा क्या बहुत सी लेडीज़ों का व्रत रहता है, और बहुत से लोगों को ये व्रत के बारे में पता नहीं है, और बहुत से लोगों को मतलब पता भी है और करते भी है। तो मैं ये व्रत को करती हूँ और बहुत अच्छा ही व्रत रहता है। मतलब जो डंडियाँ रहती है ना उसकी डंडियों से दातुन करते हैं, और जो उसकी पत्तियाँ रहती है उससे स्नान करते हैं। तो अभी देखिए शैतान को सो रही है, और रात में है ना 2 बजे से पहले नहीं सोती है, और अभी देखिए कुंभकर्ण को 12 बज गई है, उठी नहीं है। उठ जा बाबू। सोनम दीदी और रानी दीदी दोनों मिलके है ना माहौल लगा रहे हैं, बस इनका माहौल लग जाएगा ना तो वैसे ही हम लोग पूजा को स्टार्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आज ऋषि पंचमी की पूजा करना है, तो ये देखिए मेरे देवा जी ने कितना प्यारा डेकोरेशन किया है। और है ना ये सोनम दीदी पूजा की तैयारी कर रही है, और ये सोनम दीदी की बेटी है परी। और बस अब है ना जैसे ही है ना ये मतलब हल्दी कंकु हो जाएगा ना, तो वैसे ही है ना प्रीति है ना मतलब
कथा पढ़ लेगी। और ये देखिए आरती भी हो गई है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ी पूजा नहीं रहती, ये बहुत छोटी सी पूजा रहती है, पर साल में एक बार इसको करना ही चाहिए, ऋषि पंचमी की पूजा। नहीं परी भी अभी बाय बाय नहीं करना है, अभी करना है पता है हाय करना, हाय हाय। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं अपने मायके जाऊंगी हड़ताली तीज के लिए, मतलब मैं तो नहीं करती हूँ, मेरी भाभी ने बुलाया था, पर उस दिन है ना मेरी तबीयत तो है ना, मुझे वैसे मतलब 8 दिन से बुखार आ ही रहे हैं, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं गई नहीं। तो बस इसलिए अब है ना, मैं अगर कुछ भी बोलूँगी ना तो मैं बोलूँगी नहीं, वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलती हूँ वो होता ही नहीं है मेरे साथ, तो बस इसीलिए। तो सॉरी, मेरे मायके का ब्लॉग जो हड़ताली तीज का था वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैं गई नहीं, नहीं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। सोनी, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको याला ब्लॉग जरा सा भी पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।